खरगोन जिले में पुरानी पेंशन बहाली प्रथम नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता का लाभ देकर क्रमोन्नति पदोन्नति का लाभ और अनुकंपा के नियमों का सरलीकरण कर अविलंब अनुकंपा नियुक्ति प्रदान किए जाने की मांग को लेकर राज्य शिक्षक संघ के बैनर तले जिले भर के हजारों शिक्षकों ने रविवार को बिष्टान रोड स्थित अनाज मंडी में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर विशाल रैली निकाली जो शहर के मुख्य मार्ग से होते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंची। इस दौरान अपनी मांगों के समर्थन में जमकर प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए एसडीएम कार्यालय को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। रैली अनाज मंडी से होते हुए श्रीकृष्ण तिराहा, राधावल्लभ मार्केट, जवाहर मार्ग होते हुए पुराने कलेक्टर कार्यालय पहुंची। राज्य शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश यादव ने बताया, सरकार ने पुराने पेंशन बंद कर बाजार आधारित पेंशन लागू की है, जो न्याय संगत नहीं। कई शिक्षकों को सेवानिवृत्त होने के बाद नई नीति से महज 500 से 700 रुपए पेंशन मिल रही है, जिससे उम्र के इस पड़ाव पर जीवन यापन नहीं किया जा सकता। हमारी लड़ाई समुचे कर्मचारियों के हित की लड़ाई है, यह पूरी होने तक जारी रहेगी। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। बयान है और हमारे जगदीप भाई, प्रभु भाई जब कभी भी मिलते हैं सभाओं में तो दिग्विजय सिंह दूर से ही आकर के उनको हाथ जोड़ता है कि भैया तुमने मेरा इतना निपटारा करा कि मेरे को वहां आने भी नहीं देना चाहता। ये स्थिति हम लोगों की ताकत की है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोग जिस तरीके से काम करते हैं, हमारे राज्य शिक्षक संघ का जो कार्य योजना होती है, हम कांग्रेस के नेताओं से भी मिलते हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी मिलते हैं, हम सारे नेताओं से मिलते हैं और हम ये कहते हैं कि अपनी हमारी बात को अगर आप सम्मिलित कर रहे हो तो ठीक है, नहीं तो हम आपके खिलाफ बात करेंगे। तो हम आज के बाद नियुक्त सारे कर्मचारियों की भारत सरकार ने पुरानी पेंशन व्यवस्था को बंद करके एक नई पेंशन व्यवस्था बाजार आधारित लागू कर दी, जिससे जबरदस्त कर्मचारियों को नुकसान होने लगा है। उसी बात को लेकर पूरे देश के कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है। उसी आक्रोश को लेकर कर्मचारी सड़कों पर उतरा है और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हमारा आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। मध्य प्रदेश में 2018 में राज्य स्कूल शिक्षा सेवा में नियुक्त शिक्षकों की वरिष्ठता शून्य होने की कगार पर है। इसी कारण पूरे प्रदेश के शिक्षकों में जबरदस्त आक्रोश सरकार के प्रति व्याप्त है। सरकार ने वरिष्ठता की बात कहने के बाद भी आज दिनांक तक उनके आर्डर न जारी करते हुए उनमें कोताही सरकार बरत रही है। इससे पूरे प्रदेश का शिक्षक वर्ग जबरदस्त नाराज है। सरकार को हमारे से चर्चा करना चाहिए और समस्याओं के निराकरण की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। आज ये तो केवल अभी ट्रेलर है। 25 तारीख को प्रदेश के 52 जिला मुख्यालयों पर शिक्षक संवर्ग खड़ा हुआ है, सड़क पर उतरा है। अभी 9 अक्टूबर और बाकी है और उसके बाद भी सरकार ने यदि बात हमारी नहीं मानी तो दिल्ली के रास्ते भी हमारे लिए खुले हैं। जगदीश यादव, प्रदेश अध्यक्ष, राज्य शिक्षक संघ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।